तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पिछली बार शायद करंट अफेयर्स उतना नहीं ले पाए थे, तो करंट अफेयर्स में पहले शुरू करते हैं, फिर आपको अब इकोनॉमी शुरू करेंगे हम लोग, इंडियन इकोनॉमी वाला, ठीक है। साइंस टेक के बाद हमारा इकोनॉमी का समय, वैसे भी मार्च का महीना जो है वो इकोनॉमी के लिए होता है, बजट आता है और तमाम चीज़ें होती हैं, माहौल वही बन जाता है। तो करंट अफेयर्स में भी इकोनॉमी से ही सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला होमवर्क मैं आपको पहले भी देता आया हूँ, इन्फ्लेशन, फिर से इस सप्ताह के लिए इन्फ्लेशन, तो इंडियन पर्सपेक्टिव भी करना है और ग्लोबल वाला भी, ग्लोबल और इंडियन दोनों पर्सपेक्टिव से करिए। इन्फ्लेशन डेफिनेशन के हिसाब से और वो जो करना होता है वो जनरली क्वेश्चन आते नहीं हैं इन्फ्लेशन के, ध्यान रखिए। आपके कोर्स में एक तरह से इकोनॉमिक्स नहीं है, इंडियन इकोनॉमी है, ये वर्ल्ड इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह से क्लासिकल हो जाता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा हो जाता है, और जब उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आता है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। तो हम लोगों का काम जो है अर्थव्यवस्था से पढ़ता है, सिद्धांतों से नहीं पढ़ता उतना, अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांत जो हैं वो उतने काम के नहीं होते, फंडामेंटल्स, ठीक है। अर्थव्यवस्था का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी को किस प्रकार से अर्थव्यवस्था प्रभावित करती है, या समाज किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, वो चीज़ है। तो थोड़ा समझना होगा, ये ऐसी डेफिनेशंस आपको कहीं मिलेगी नहीं, ना तो कोई बताएगा ना ही कहीं लिखी हुई है, बट सिविल सर्वेंट के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए थोड़ी सी इकोनॉमी दूसरी होती है। तो इन्फ्लेशन का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, इन्फ्लेशन के जो सूत्र हैं, मुद्रा स्फीति के जो सूत्र हैं, वो हमारे उतने काम के नहीं हैं, लेकिन मुद्रा स्फीति का, महंगाई का जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिर महंगाई को मैनेज कौन करेगा। अभी तो जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वो आईएएस हैं, तो इसका मतलब एक आईएएस ही मैनेज कर रहा है आरबीआई के माध्यम से, तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी आईएएस के हाथ में है महंगाई का। और सरकार के लिए प्लान कौन बनाते हैं, आईएएस बनाते हैं, बजट भी आईएएस लोग बनाते हैं, तो जब बजट भी आईएएस बनाते हैं, सरकार के लिए प्लान स्कीम प्रोग्राम सब आईएएस बनाते हैं, और रिजर्व बैंक भी आईएएस चला रहा है, तो फिर तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम ही हो गया महंगाई को कंट्रोल करना, महंगाई को नहीं बढ़ने देना। तो फिर यहां महंगाई का सूत्र जानने से बात बनेगी नहीं, पॉलिसी, पॉलिसी मेकिंग कैसे होगा, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, तो दो तरह की पॉलिसी होती है जिससे महंगाई तय होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। सन 1970 के आसपास पूरी दुनिया में मॉनिटरिज्म आया था, अर्थव्यवस्था में एक तरह से मॉनिटरिज्म आया था, तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र का विकास बता देता हूं, चूंकि हम लोग इकोनॉमी भी शुरू करेंगे तो आज अर्थशास्त्र का विकास भी बता देता हूं, फिर मैं इसमें आऊंगा, थोड़ा हिस्ट्री हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे चले जाते हैं। तो अर्थव्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है 1600 के आसपास, मर्केंटलिज्म वाणिज्यवाद, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो बन रही थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के आसपास चार्टर्ड कंपनियां बनी थी, इकोनॉमिक्स की शुरुआत, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, मॉडर्न क्या, इकोनॉमिक्स स्टडी के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में ही पहली बार इस तरह से स्वीकार किया गया। वो इसलिए था क्योंकि स्टेट को मिलिट्री बना के रखनी पड़ती थी, राजा को मिलिट्री बना के रखना है, किंग को, क्वीन को, और मिलिट्री बना के रखना है तो मिलिट्री को देने के लिए सैलरी चाहिए, पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा, और वो पैसा जो आना था वो व्यापार से आना था, वाणिज्य से आना था, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए बनाई गई थी,
तो इकोनॉमिक्स की शुरुआत इस रूप में हुई, उसको बोलते हैं मर्केंटलिज्म, वाणिज्यवाद। इकोनॉमिक्स की शुरुआत वाणिज्यवाद से हुई थी, क्योंकि जब व्यापार करेंगे और मसाले बहुत ज़रूरी थे नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि यूरोप में नॉनवेज ज़्यादा खाया जाता था और नॉनवेज को स्वादिष्ट बनाना, टेस्टी बनाना मसालों के बिना संभव नहीं था। इसलिए लोग मसालों को बचा के रखते थे, बहुत थोड़ा सा मसाला होता था तो उसको बचा के रखते थे, किसी दिन गेस्ट आए या कोई विशेष दिन है तो उस दिन फिर वो मसालों को यूज़ करते थे और उसमें टेस्ट बढ़ाने के लिए मसालों को डाला जाता था। तो मसाले बड़े दुर्लभ थे, थोड़े भी होते थे तो लोग संभाल के रखते थे और उनके पास जो मसाला होता था वो क्वालिटी घटिया थी। फिर केरल के इधर से अगर कोई लेके गया तो वास्को डी गामा जब मसालों के चक्कर में आया था और यहाँ से खूब सारे मसाले ले गया, तो पुर्तगाल से थोड़े बहुत मसाले यूरोप के दूसरे इलाकों में भी पहुंचे तो उनको टेस्ट आ गया, उनको लगा ये कहाँ मिलता है। तब एक के बाद एक लोग जो है भारत की ओर आना शुरू हुए, सब ने अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनियां बनाई और उन्होंने कहा ये बहुत प्रॉफिट का सौदा है, वहां सस्ते में कोड़ियों के दाम मसाला मिलता है, बहुत ही साधारण कीमत होती है क्योंकि यहां उत्पादन बहुत होता है, केरला में तो अभी भी उत्पादन बहुत होता है। तो वो मसाला अगर हम यहां खरीद के ले आए और बेचें तो बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो भारी भरकम वास्को डी गामा तो एक साल बाद वापस आ गया था मसाला और लेने के लिए, उसको तो चस्का लग गया था ना कमाने का, उसके लगा कि ये तो बिल्कुल गोल्ड के बराबर है मसाले। इसलिए इलायची की पहाड़ियां होती है, कार्डेमम हिल्स केरला में हम बोलते हैं ना, लौंग इलायची काली मिर्च सब। तो ये जो ट्रेंड चला इसको बोलेंगे मर्केंटलिज्म, कमर्शियल अप्रोच आ गया, वाणिज्यवाद। यहां से इकोनॉमिक्स की एक शुरुआत हुई। 1700 में जो इकोनॉमिक्स थी वो एडम स्मिथ वाली, 1700 वाला था एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड यानी एक तरह से कैपिटलिज्म प्राइवेटाइजेशन जैसा, कि व्यक्ति अपना अपना कमाए, हर व्यक्ति अपना अपना ध्यान रखे और खुद के लिए कमाए, खूब मेहनत करे, खूब कमाए और पूंजी का निर्माण करे, कैपिटल का निर्माण करे, और जब बहुत पैसा हो जाएगा उसके पास और जब वो अपने लिए काम करेगा तो अपने आप समाज का भला हो जाएगा, क्योंकि सबके पास बहुत कुछ होगा और बहुत मेहनत करेंगे तो अपने आप समाज का भला होगा, सोसाइटी का भला हो जाएगा और भला एक तरह से ईश्वर करेगा, अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड की थ्योरी। वो अदृश्य हाथ जो हैं वो लोगों की मदद करेंगे, समाज की मदद करेंगे। तो अदृश्य हाथ कहां से आएंगे, सब केवल अपना अपना काम करो बस, राज्य भी लेसेस फेयर का सिद्धांत, उसको बोलते हैं लेसेस फेयर की थ्योरी। तो मर्केंटलिज्म से 1700 में आया लेसेस फेयर, लेसेस फेयर मतलब नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी किसी में इंटरफेयर नहीं करेगा, सब स्वतः बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने आप, राज्य अपना काम करे, राज्य अपना काम देखे, इकोनॉमी की तरफ ना देखे, व्यापार की तरफ ना देखे, कौन क्या व्यापार कर रहा है, इन सब चीजों को छोड़ दो, आप तो अपना देखो। तो ये जो चीज थी ये निकल करके आई एडम स्मिथ और पूरी दुनिया इससे प्रभावित रही। लेकिन फिर जब ग्रेट रिसेशन आया, आर्थिक महामंदी, वैश्विक महामंदी 1930s में जब ग्रेट रिसेशन था, तब जॉन मेनार्ड कीन्स, कीनीजियन इकोनॉमिक्स, तब समय आया कीनीजियन इकोनॉमिक्स का, जॉन मेनार्ड कीन्स। मैं आता हूँ इन्फ्लेशन पे अभी, उससे पहले थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बता दूं ताकि इकोनॉमी की शुरुआत हो जाएगी।
तो जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आप दूर बैठ करके देखते रहोगे, राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरफेरेंस करना चाहिए। रोड्स कौन बनाएगा, रेलवेज कौन बनाएगा, इसमें तो प्राइवेट आदमी बनाएगा नहीं, अपना अपना देखेंगे तो फिर ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपको टैक्स लेना चाहिए और टैक्स लेकर के फिर जनता के भले के काम आपको करना चाहिए, आपको बीच में कूदना चाहिए, क्योंकि मंदी आई हुई है, सब अपना अपना पेट भरने में लगे हैं, सब अपना अपना घर भरेंगे, पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक गुड्स कहाँ हैं? सब प्राइवेट गुड्स हैं। तो पब्लिक गुड्स तैयार होनी चाहिए, जनता के लिए काम होना चाहिए। कीनीजियन इकोनॉमिक्स बोलते हैं उसको, 1930s 1930 के दशक में, और तब सरकार ने इंटरफेयर करना शुरू किया, दखल देना शुरू किया, सरकारी संपत्तियां, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टाइप, वो सब तैयार हुई, रोड्स तैयार हुए, फैक्ट्रियां तैयार हुई गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बोलते हैं कीनीजियन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के स्वरूप बदलते हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये था, ये चीज है। और उसके बाद जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में तमाम दूसरी चीजें हो रही थी, वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, है ना, ब्रेटन वुड सिस्टर्स कहते हैं ना हम लोग इनको, तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के बाद में ये सब संस्थाएं आई, तब बिल्कुल एक अलग अप्रोच आई, और उसका नाम था एक तरह से वेलफेयरिज्म। वेलफेयरिज्म, सोशल वेलफेयर, 1970s के आसपास, खास करके 70s के आसपास वेलफेयरिज्म, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयरिस्टिक स्टेट। डॉक्टर अमर्त्य सेन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के काफी बड़े नाम हैं, उनको नोबेल प्राइज भी मिला। यानी कि जन्म से पहले, मनुष्य के जन्म से पहले से लेके मृत्यु के बाद तक जो भी ख्याल रखा जाना है वो सरकार रखेगी। सरकार की जिम्मेदारियां बहुत बना दी, गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, राज्य कैसा होना चाहिए, इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, वेलफेयरिस्टिक, वेलफेयरिस्टिक गवर्नमेंट, वेलफेयरिस्टिक स्टेट, वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, सब कुछ कल्याणकारी। बच्चे के टीके लगाओ, जन्म से पहले गर्भवती माता को टीके लगाओ, बच्चे का जन्म इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, हॉस्पिटल में होना चाहिए, जननी एक्सप्रेस दौड़ाओ, एम्बुलेंस चलाओ, गर्भवती माता को घर से ले जाओ हॉस्पिटल में, बच्चा हो जाए तो फिर दोनों को टीके लगाओ, दोनों को दवाइयां दो निशुल्क, और सब कुछ निशुल्क होना चाहिए। फिर बच्चे को स्कूल में पढ़ाना जिम्मेदारी सरकार की, किताबें देना सरकार की, स्कॉलरशिप गरीब है तो स्कॉलरशिप देना सरकार की जिम्मेदारी, फिर बेरोजगार है तो उसकी नौकरी लगाना सरकार की जिम्मेदारी है, और फिर उसका बीमा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है अगर उसको कुछ हो गया तो, और अगर वो ऊपर से गिर पड़ा काम करते समय, हाथ पैर टूट गए, कुछ हो गया तो सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सहायता देना, उसको पेंशन देना, रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन देना, मरने के बाद फ्यूनरल तक सरकारी पैसा होता है, एक्सग्रेशिया का पैसा कहलाता है। सरकारी कर्मचारी अगर डेथ हो जाएगी तो उसकी फ्यूनरल का पैसा 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, जो भी अंतिम संस्कार का, वो भी सरकार देगी। उसके बाद उसके बच्चों को या उसकी पत्नी को पेंशन मिलेगी, खास करके पत्नी को पेंशन मिलेगी क्योंकि वो उसके ऊपर निर्भर करती थी, नाबालिग बच्चे हैं तो वो निर्भर करते थे, उनको पेंशन मिलेगी। यानी आदमी तो गया, तो जन्म से पहले से लेके मृत्यु के बाद तक वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी, वेलफेयरिस्टिक स्टेट, कल्याणकारी अर्थशास्त्र, आ गया समझ में? ये जमाना आया, पूरी दुनिया में यही हुआ। और 91 आया तो पूरी दुनिया में आर्थिक सुधार हुए, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको आर्थिक सुधार बोला गया। नहीं नहीं, इतनी जिम्मेदारी हम नहीं होगा, अब प्राइवेटाइज होगी चीजें, चीजें प्राइवेटाइज होगी, लिबरल होंगी और ग्लोबल होंगी, कोई प्रोटेक्शनिज्म नहीं रहेगा, कोई भी अपने स्थानीय लोगों को संरक्षण नहीं देगा, ओपन रहेगा, ओपन फॉर ऑल,
अभी जो फिर हम बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया बात करते हैं ना, ये फिर अगेन पिछली वाली स्थिति है, फिर हम पीछे जा रहे हैं, क्योंकि जो 91 में हुआ उसका उल्टा, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, इसको बोलते हैं रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, कि हम अपने, जैसे ट्रंप ने बोला था बाय अमेरिका हायर अमेरिका, अमेरिका के लोगों से खरीदो, अमेरिका के लोगों को नौकरी दो, बाहर वालों से ना तो खरीदना है ना ही नौकरी देना, यही चीज चीन बोल रहा है कि 1925 तक हम ऐसी स्थिति ला देंगे कि बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं, चीन के अंदर ही होगा सब कुछ, बाहर वाले को नौकरी भी नहीं देना, यहाँ का एक रुपया बाहर नहीं जाना चाहिए, यही चीज़ यूरोप बोलेगा, यही चीज़ भारत ने बोलना शुरू कर दिया है, लोक वोकल फॉर लोकल, हम तो लोकल की बात करेंगे। तो फिर वो जो LPG हुआ था तो इकोनॉमिक्स डेवलप हुई थी, कहाँ से, मैंने बताया था मर्केंटलिज्म से, और यहाँ तक पहुँची थी 2020, यानी कि पेंडेमिक का आना, पेंडेमिक के बाद सब लोग, खास करके ट्रंप का जो एरा आया 2016 वाला, 2016 वाला, वहाँ से हर आदमी अपना अपना करने लगा, बाहर वाले नौकरी छीन रहे हैं, माइग्रेंट्स ले जा रहे हैं, भगाओ इनको, तो भारतीयों पे हमले होने लगे, इंडियंस तो ऑस्ट्रेलिया में भी हमले होने लगे, इंडियंस पे अमेरिका में भी होने लगे, भागो यहाँ से हमारे रिसोर्सेज खा गए तुम, जैसे हम रोहिंग्या को पसंद नहीं करते, अपने देश में जाओ, यहाँ क्या लेने आए हो, घर जाओ अपने, क्योंकि वो बहुत सस्ते में नौकरी मिल जाती ना, बहुत कम में काम कर देते ना वो तो दूसरे देश में पड़े हुए हैं, तो जो जो मजदूर 400 रुपया मांगता है वो 200 रुपये में काम कर देंगे, तभी तो बिहारी आदमी जब ऑटो चलाता है तो 40 रुपये में छोड़ देता है, लोकल आदमी जब दिल्ली वाला ऑटो चलाता है तो 200 रुपये लेता है, वो आपको किराया बताएगा 200, पीछे एक ऑटो वाला आएगा वो उससे पूछोगे आप कितना लोगे, वो बोलेगा 40, समझ लो बिहारी है, वो 40 में छोड़ देगा, वो सोचता है 30 रुपये का पेट्रोल है, 10 रुपया मैंने कमाया, तो उसको रिक्शा ही मानता है ना, तो 10 रुपये रिक्शा में लेता था, वो 10 रुपया इसमें समझता है ऑटो में, लेकिन दिल्ली वाला आदमी तो लोकल है, वो उस तरह से बात नहीं करता, तो इसलिए वो भगाना चाहते हैं कि इन्होंने आके हमारा मार्केट खराब कर दिया, ये 40-50 रुपए में रिक्शा चला लेता है जबकि हम 200 में चलाना चाहते हैं, हमें कमाने नहीं देता, इसलिए तुम जाओ अपने घर, तो हम एक राज्य से दूसरे राज्य में भी सहन नहीं करते, तो फिर ट्रंप क्यों सहन करेगा, अमेरिका के युवाओं की नौकरी इंडियंस खा गए, बहुत सस्ते में काम करने को तैयार हो जाते हैं अमेरिका में, उनको तो अमेरिका में रहना ही अच्छा लगता है ना, जैसे बिहार का आदमी मुंबई में रहना चाहता है तो उसको मुंबई में रहना ही अच्छा लगता है, जो बिहार में उतनी देर बिजली नहीं मिलती, उतनी सुविधाएं नहीं मिलती, बच्चों को वैसी पढ़ाई नहीं मिल सकती, ऐसे ही हम लोग सोचते हैं कि अमेरिका में रहेंगे तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, हम तो ठीक है जैसे तैसे कुछ भी काम कर लेंगे, लेकिन अमेरिका का आदमी कंप्रोमाइज थोड़ी करेगा, वो तो अमेरिका का नागरिक है, इसलिए वो तो अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, अंतर समझ में आ रहा है ना हर जगह, ये इसलिए वो लोकल वाली बात आती है वापस, हर जगह पर वही। तो जब आप फिर से लोकल लोकल की बात करने लग जाओगे तो चीजें वही हो जाएगी, लेकिन 1990s में ये सब चीजें हुई और उसको बोला गया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र, व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र। ये जो एडवर्टीजमेंट का कंसेप्ट है ये इसी बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, आदमी के बिहेवियर से विज्ञापन देकर के चीजें बेच देना, बार बार उसको विज्ञापन देकर के जताना कि तुम्हारे पास ये नहीं है और नहीं होगा तो तुम बहुत पिछड़े हुए होगे। तो मनोविज्ञान का सहारा लेकर के, मनुष्य के साइकोलॉजी का सहारा लेकर के एक तरह से व्यापार करना, अर्थशास्त्र चलाना, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। और अभी जो नोबेल प्राइज मिल रहे हैं वो इसी सब्जेक्ट में मिल रहे हैं, इसी टॉपिक पे मिल रहे हैं, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इसके ऊपर जो नए नए सिद्धांत देता है, इसलिए ऑटो रिन्यू जो होता है आपके, इसमें वेबसाइट का ऑटो रिन्यू होता है, कोई भी आप पैकेज लेते हो उसका ऑटो रिन्यू हो जाता है। ये जो ऑटो रिन्यू वाला कंसेप्ट है ना, ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है। आप किसी अकाउंट से जोड़ दोगे अपना सिम को या नंबर को, पोर्ट करा रखा है आपने एयरटेल पे या जियो पे जिस पे भी,
और ऑटो रिन्यूअल है हर महीने अपने आप बिल जमा हो जाता है, अपने आप पोस्टपेड या प्रीपेड है उसका अमाउंट एकदम से जम जा ऑटोमेटिक कट जाता है, अगर आपने इजाजत दे रखी है तो ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो आपको डेट पता नहीं होती, जैसे 19 दिसंबर को आपको चेंज करना था कि मैं एयरटेल से जियो में शिफ्ट होऊंगा या जियो से बीएसएनएल जाऊंगा, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ऑटो रिन्यू होने से आपका एक महीना और आगे बढ़ जाता है, फिर आप भूल जाते हो। इसलिए ढेरों लोग नेटफ्लिक्स आपने एक महीने लिया था और एक महीने आपको टाइम भी था और मूवी भी आप बहुत सारी देखना चाहते थे, अगली बार आपको फुर्सत नहीं मिली और आपको लगा कि इस महीने तो मूवी भी नहीं देखना, मैं अपना 150 रुपया 200 रुपया जो भी चार्ज है, जैसे प्राइम वाला है वीडियो है, मैं बचाना चाहता हूँ, हॉट स्टार में नहीं रखना चाहता इस महीने, क्योंकि मेरे पास 199 रुपीज में क्यों दूं इसको। तो ऑटो रिन्यू नहीं होगा तो फिर आप ब्रेक कर दोगे और हो सकता है उसको 2-3 महीने फिर रिन्यू नहीं कराओगे। कई बार मन भर जाता है किसी सर्विसेज से तो हम ऑटो रिन्यू नहीं कराते, मतलब उसको रिन्यू नहीं कराते, लेकिन ऑटो रिन्यू पे पड़ा हुआ है तो क्या होगा, वो चलता रहेगा चाहे आप देखो ना देखो। वो फिर एक मैसेज आएगा 199 रुपीज कट गया आपका, तो आप मैसेज देख के थोड़ा सकोगे इस बार तो ठगा गए, हमने कुछ देखा भी नहीं, 199 तो गया, लेकिन ठीक है आदमी सोचता है चलो ठीक है अब जो हो गया सो हो गया। ये है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ये जिसने भी ऑटो रिन्यू का कंसेप्ट दिया है इकोनॉमिक्स में ये वो इसी अर्थशास्त्र का स्टूडेंट रहा होगा कि मनुष्य के व्यवहार को चेक करो, वो कौन सी चीज, क्या उसे पूछेंगे रुक करके, जब आप पूछोगे क्या ऑटो रिन्यू कराओगे, आपके अकाउंट से अगर यहां गायत्री मंदिर की रसीद कटती है तो इसलिए साल भर का अगर कोचिंग कोई ले लेता है, साल भर का कोचिंग का पैकेज हो जाता है तो पूरे साल भर पड़ता है, मंथली होगा तो अधिकांश लोग 2-2, 3-3 महीना पढ़ के छोड़ देंगे, मंथली होगा तो वो 3 महीना पढ़ लेंगे, वो लगेगा उनको कि अगले महीने तो पता नहीं क्या पढ़ाने वाले हैं, ये वाला मुझे पसंद नहीं है, मैं इस महीने तो नहीं जाऊंगा, बाद में हो सकता है इसके बाद वो किसी दूसरे कोचिंग में चला जाए। तो ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और इसको देख करके मार्केट ने वो सब चीजें बनाई हुई है। इसलिए ये पूरा जो सोशल मीडिया और ये जो सारा चल रहा है अभी ई कॉमर्स, ये सारा इसी ऑटो रिन्यू वाले और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पे चल रहा है, दिख रहा है ना आपको। तभी तो ये बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा व्यापार है, बिग टेक कंपनियां बोलते हैं ना हम लोग, बिग टेक कंपनियां। अमेजोन रात को 11 बजे भी ऑर्डर लेता है ना, 1 बजे भी लेता है, अगर ये सुबह तक टल जाए कि सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे के बीच ये ऑर्डर होगा तो अमेजोन की बिक्री है ना 25% रह जाएगी, क्योंकि आदमी का मूड बदल जाता है, सुबह 10 बजे उसको लगता है कि ये चीज उतनी जरूरी नहीं है, रात को 1:30 बजे जब वो एक बार ऑर्डर कर चुका है तो तब तक वो कर चुका है। कैंसिलेशन का सिस्टम भी है लेकिन फिर भी बहुत कम लोग कैंसिल कराते, तो एक बार ऑर्डर हो गया मैसेज आ गया कि इस तारीख को पहुंच जाएगा तो वो वेट करता रहता है कि अब कब आएगा। ये मनुष्य का व्यवहार है, व्यवहार को समझना और व्यापार करना, आया समझ में, एक बिल्कुल नए टाइप की इकोनॉमिक्स, और इसी को पॉलिटिक्स में बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। नियो लिबरलिज्म जो मोदी जी ने पॉलिटिक्स की वो नियो लिबरलिज्म कहलाती है, अडानी जिस पॉलिटिक्स का और जिस इकोनॉमी का काम करते हैं नियो लिबरलिज्म, अडानी और मोदी इसी का एग्जाम्पल है, नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद। नव उदारवाद में प्रोडक्ट दिखाया जाता है, सीधा सीधा प्रोडक्ट दिया जाता है हाथ में, और 5 किलो गेहूं दिया गया जिस झोले पे उस पर फोटो भी छापा जाता है, वैक्सीन अगर लगाई गई तो वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटो भी छापा जाता है, जबकि वैक्सीन तो फोटो छापो या ना छापो वैसे ही काम करेगी, उतना ही काम करेगी, 5 किलो अनाज भी उतना ही काम करेगा, लेकिन वो फोटो है नियो लिबरलिज्म, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो, समझो उसको, तो बिहेवियरल पॉलिटिक्स कह सकते हो उसको, मनोविज्ञान को देख करके। असल मनमोहन सिंह सरकार में 5 बड़े कानून आए थे, तो अभी मोदी जी ने हंसी उड़ाई थी ना संसद में कि इन्होंने कागज दिखाए थे, कागज का टुकड़ा दिखा दिया था कि ये है, ये है, और हमने तो प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया है, तो कागज का टुकड़ा क्या दिया था, आरटीआई
राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ा पावर है। आप किसी से भी सूचना प्राप्त कर सकते हो, कानून है। सामने वाले को सजा होगी अगर आपने उसने अगर सूचना नहीं दी। राइट टू फूड, खाना देना जरूरी है। खाना अगर आपने नहीं दिया गरीब आदमी को तो सामने वाले को सजा होगी, तो मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, युग परिवर्तन है, वो बहुत बड़ी चीज है वो, क्योंकि खाना मिलेगा ही मिलेगा। प्राइवेट स्कूल वाला अगर एजुकेशन गारंटी स्कीम में और ईजीएस में और उसमें प्राइवेट एजुकेशन वाला अगर राइट टू एजुकेशन में आरटीई में सॉरी ईजीएस नहीं आरटीई राइट टू एजुकेशन में वो जो सीटें निर्धारित है और वो सीटें निर्धारित है 25% वाली, अगर उसमें गरीब आदमी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ेगा, कॉन्वेंट स्कूल में या किसी भी बड़े महंगे स्कूल में, चाहे उसके पास फीस नहीं है, तब भी आपको पढ़ाना ही होगा उसको, नहीं तो स्कूल की मान्यता खत्म हो जाएगी, केस हो जाएगा आपके खिलाफ, जेल जाओगे, क्योंकि वो कानून है, कागज का टुकड़ा नहीं है, कानून। बट ये जो चीजें हैं, नियो लिबरल इकोनॉमिक्स का मतलब नियो लिबरलिज्म इसको कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट दिए जाते हैं एक तरह से, इसलिए वो नल वाला जो है जल जीवन मिशन, नल दिखता है ना, पानी आता हुआ दिखता है तो मोदी जी की याद आती है, सिलेंडर दिखता है तो मोदी जी की याद आती है, 5 किलो को झोला जो रखा हुआ है उसके ऊपर फोटो है तो उससे मोदी जी की याद आती है, वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे फोटो है उससे मोदी जी की याद आती है। तो इसको बोलते हैं नियो लिबरलिज्म। अडानी का पोर्ट नाम रहेगा अडानी, यहां पर बंसल वाले ने ये हबीबगंज खरीदा, उसका नाम कमलापति रखा और बंसल लिखा हुआ है ऊपर, बिल्डिंग बन रही है। तो पहले स्टेशन आपको अपना लगता था, अब लगेगा कि हम बंसल की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। पहले हबीबगंज जाते थे तो सरकारी लगता था ना कि स्टेशन प्लेटफॉर्म जा रहे हैं, अब पार्किंग भी बहुत महंगी है, आप घूमोगे एयरपोर्ट जैसा लुक भी आएगा, लेकिन वो बंसल की प्रॉपर्टी में जा रहे हैं। नियो लिबरलिज्म यानी हमेशा ये एहसान जताया जाना कि तुम प्रजा हो और तुमको हम दे रहे हैं और उसके बदले तुम्हें वोट देना है और आप लाभार्थी हो, बेनिफिशरी हो, आप बेनिफिशरी हो, आपकी औकात क्या है, आप सिटीजन नहीं हो। वो जो कानून दिए गए थे मनमोहन सिंह के समय में, उसमें उनको सिटीजन माना गया और बोला गया कि यू आर ऑनर, आप मालिक हो, आप सिटीजन हो, सामने वाले को आपका काम करना है, अगर ये नहीं करता है तो इसको सजा होगी, ये आपका अधिकार है, राइट है, और इसकी ड्यूटी है कि ये आपकी सेवा करे, और ये नहीं करेगा तो ये जेल जाएगा और इसे आप जेल पहुंचा सकते हो। वो कागज का टुकड़ा नहीं था, कानून था, आया समझे? तो वो मालिक होने का एहसास कराता है वो कागज का टुकड़ा, यहां जो झोला मिलता है आपको भिखारी होने का एहसास कराता है, बेनिफिशरी, आप बेनिफिशरी हैं और आपको ये दे रहे हैं, और अगर समय पे नहीं दिया तो अधिकार नहीं है आपका, दे रहे हैं, चुपचाप रहो, मिलेगा तुमको, लाइन में लगो, और जब मिल जाए तो फिर फोटो देख के याद रखना, वोट भी देना। वोट देने के लिए तुमको यह दिया जा रहा है, ये कहलाता है नियो लिबरलिज्म, नव उदारवाद, वो ओरिजिनल लिबरलिज्म है। वो कौन सा है? ओरिजिनल लिबरलिज्म, नियो लिबरलिज्म इसको कहते हैं, जिसमें गिनाया जाता है कि तुम प्रजा हो, हम राजा हैं। डेमोक्रेसी वाला भाव नहीं आता, डेमोक्रेसी में तो सिटीजन ही राजा होता है ना, ओनरशिप होती है उसके पास, वो स्वामी है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया तो आज बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके इकोनॉमी में। तो वर्तमान में जो इकोनॉमी चल रही है वो ये इकोनॉमी है, इसको बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो नव उदारवाद किस पे काम करता है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स पर, यानी मनुष्य के व्यवहार को देख करके आर्थिक निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग करना, मनुष्य के व्यवहार को देख करके। इसलिए उनको मालूम है कि मनुष्य का व्यवहार चुनाव के पहले बहुत प्रभावित होता है, तो चुनाव के पहले पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे, जैसे ही चुनाव होगा उसके दूसरे दिन सुबह आप देखोगे, अब की काउंटिंग होना बाकी है, अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन सुबह एकदम पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, कि जो सिटीजन का बिहेवियर है, वोटर का जो बिहेवियर है, वो अगर बढ़े हुए दाम देख करके अगर वो डेविएट हो गया तो विरोधी को फायदा हो जाएगा, इसलिए इसको रोक के रखो, बिहेवियरल
इकोनॉमिक्स, तो मॉनेटरी पॉलिसी में भी आता है यही चीज। रिजर्व बैंक के डिसीजन भी इसी आधार पर लिए जाते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जो पॉलिसी, जो रेट कट्स होते हैं, वो भी इसी आधार पर होते हैं। और इसी आधार पर अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीजें दी गई, इसलिए अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रंट पे लाया गया। रोड्स, शिपिंग, एयरपोर्ट्स, जहां पर हमेशा कभी भी प्राइवेट आदमी नहीं होता था, हमेशा सरकार होती थी, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट होता था, बहुत ज्यादा कैपिटल लगता है और प्रॉफिट बहुत कम होता है और बहुत स्लो होता है और बहुत दिनों बाद होता है, जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है इंडस्ट्री का। ये जो इंडस्ट्री है इंफ्रास्ट्रक्चर वाली, इसमें जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। जेस्टेशन पीरियड मतलब कि आपने आज इन्वेस्ट किया और कोई प्रोडक्ट आपने बनाया या कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें प्रॉफिट आपको बहुत देरी से होगा, तो उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था पीरियड। बच्चा पैदा होने का एक तरह से 9 महीना होता है, यानी कि 9 महीने बाद बच्चा हाथ में आ गया, तो यहां पर प्रॉफिट हाथ में बहुत लेट आएगा, यानी वो उत्पादन करके आपको प्रॉफिट देना, उसका मूल्य वसूलना बहुत बाद में, इसलिए उसको बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। ऐसे काम कभी भी कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं लेता था और ये काम अडानी को दिए गए। ये काम अडानी को दिए गए तो ये तो बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जिसमें और कैपिटल इतनी लगती है कि अंबानी और टाटा तो सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये कैपिटल हम बैंकों से मुहैया करवाएंगे, आपको बैंकों से दिलवाएंगे। तो हमारे जो, और खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक तो देंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक तो जानते हैं कि रोड बनाने के लिए किसी आदमी को कैसे हम पैसा दे सकते हैं, क्योंकि रोड का क्या करेंगे। मकान बनाने के लिए दे सकते हैं, मकान गिरवी रख लेगा वो, रोड को गिरवी बैंक थोड़ी रख पाएगा। और ये तो एयरपोर्ट बना रहा है या एयरपोर्ट का मैनेजमेंट कर रहा है, तो एयरपोर्ट के मैनेजमेंट के पैसे कैसे दिए जा सकते हैं। तो अडानी को करोड़ों रुपया इस बात का कैसे दिया जा सकता है कि एयरपोर्ट का ख्याल रखेगा और फिर एयरपोर्ट से कमा करके आपको पैसे चुका देगा, इस बात के पैसे कैसे दिए जा सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक तो कभी नहीं देने वाला था। तो 2014 के बाद खास करके मोदी जी ने सरकारी बैंकों से, पब्लिक सेक्टर बैंक जो है, खास करके SBI और ये, इनसे पैसे दिलवाए, क्योंकि ये तो सरकार के अंडर में सीधे सीधे रिजर्व बैंक के पास है। उन्होंने कहा नहीं, आप इनको दीजिए, क्योंकि ये सरकार का ही काम कर रहे हैं एक तरह से, इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं मतलब सरकार का काम कर रहे हैं। पहले जो सरकार का काम होता था वो काम अडानी ने हाथ में लिया, सरकार का काम हाथ में लिया। और सरकार तो अपने पैसे को SBI से लेकर के दे ही सकती थी, तो सरकारी काम जिसमें प्रॉफिट कम है, लंबे समय में प्रॉफिट मिलना था और पैसा बहुत बड़ी मात्रा में लगना था, तो अंबानी और टाटा जैसे लोग तो कभी हाथ नहीं डालते। तो ये काम जो है प्राइवेट आदमी को दिया गया कि आप विश्व गुरु बनाने में, नया भारत बनाने में आप बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे सामने आ जाइए, और इधर हम रहेंगे उधर आप रहोगे। तो ये पूरा, बट शेयर मार्केट में जो है, ये जो बैंक का लोन है एक तरह से, इसको प्रॉफिट दिखाया गया कि ये कंपनी का प्रॉफिट है। और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स जो थे, यूरोप और अमेरिका के खास करके, उनके वहां पर बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो उनके वहां इतना कम इंटरेस्ट मिलता है कि उनको लगा कि भारत में तो सरकार खुद ही अमेरिका की तरह हो गई है, क्योंकि अमेरिका में तो कैपिटलिज्म के साथ होती है, फैक्ट्री मालिकों, उद्योगपतियों के साथ होती है सरकार, एक तरह से बैक सपोर्ट होता है सरकार का। और भारत में अभी प्रधानमंत्री और सरकार ऐसे हैं कि वो तो उद्योगपति के बिल्कुल साथ खड़े हैं और गारंटी भी ले रहे हैं उद्योगपति की, तो ऐसे में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां तो इंटरेस्ट कम मिल रहा है और वहां तो पैसा एकदम मल्टीप्लाई होगा। तो उन्होंने शेयर खरीदे अडानी के, खूब सारे शेयर खरीदे। अडानी ने वो शेयर जो है खरीदे, वो बैंकों में कोलेटरल के रूप में जमा कराए कि मेरे पास देखो इतने सारे शेयर हैं, मेरी शेयर्स की वैल्यू इतनी है और ये इतने महंगे हैं, अब आपको जो गारंटी चाहिए वो शेयर रख लो।
तो कर्ज को उधर शेयर बढ़ाने में और शेयर की वैल्यू बढ़ाने में और शेयर को इधर बैंक से और लोन लेने में यूज किया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया और फिर शेल कंपनियां बनाई मलेशिया में, मॉरिशस में शेल कंपनी वो होती है जो 8 या 10 कंपनियां होती है जो एक ही दिन में एक ही लगभग एक ही मोबाइल नंबर से एक ही एड्रेस पर वो स्थित होती है और एक ही कमरा होता है, सबका एड्रेस देखोगे तो लगभग एक ही मकान होता है, ये एक ही बिल्डिंग होती है, एक ही ऑफिस होता है और नाम किसी का बोर्ड किसी का नहीं लगा रहता, लेकिन सबका एड्रेस प्रूफ वही होता है। उसको बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री, मॉरिशस जो है टैक्स हेवन कंट्री बताया जाता है, यानी कि बिल्कुल जिनको टैक्स चुराना है उनके लिए वो स्वर्ग है क्योंकि वो कभी नहीं पूछता, कंपनी को कभी वेरीफाई नहीं करता मॉरिशस की गवर्नमेंट। आपको अगर टैक्स बचाना है, दुनिया भर में काला धन छुपाना है, फैलाना है, आप यहाँ आ जाओ यहाँ ऑफिस। तो इसका भाई जो है विनोद अडानी, उसने अपनी मॉरिशस में शेल कंपनियां बनाई और वहां बैठ करके पैसे का, उनको पैसे का सोर्स बताना ही नहीं होता है कि पैसा कहां से आ रहा है, उसमें से वो पैसा इधर आया और इन कंपनियों में लगाया, अडानी की, गौतम अडानी की कंपनियों में लगाया गया पैसा। उस पैसे को फिर वही प्रॉफिट और कोलेटरल और वो सब दिखा करके फिर बैंकों से और ज्यादा लोन लिया गया। तो ये पूरा जो नेक्सस है, ये जो स्कैम है और सरकार का बैक सपोर्ट था एक तरह से, ये हिंडनबर्ग ने क्लियर कर दिया। हिंडनबर्ग ने कहा कि ये पूरा एक नेटवर्क है और ये नेक्सस है और ये इस तरह से काम कर रहा है। तो उनमें फिर घबराहट फैल गई कि ये तो किसी दिन कोलैप्स होना है। तो एक्सपर्ट तो सारे जानते थे, हम तो क्लास में कई बार बता चुके थे कि ये कोलैप्स होगा क्योंकि नकली है, आर्टिफिशियल बूम है। जब एस्केलेशन एकदम ऐसा होता है ना, एकदम स्टीव था तो वो तो एकदम से गिरेगा, तो गिरा भी उतनी स्पीड से क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना पैसा निकाल दिया। तो अब जो बचा हुआ है वो या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और या फिर वो कोलेटरल है जो जमा है कहीं। इसीलिए वो पर्सनल लेवल पर भी जो अरबपति की जो लिस्ट होती है उसमें भी धड़ाम और इधर भी धड़ाम, लगभग 65% पूंजी गायब। अब 35% बची है। अब अगर वो जैसे मान लिया जाए कोई 100 रुपए का केवल 35 रुपया बचेगा और उसमें 3.5% 3.5 रुपया भी बढ़ जाएगा तो 10% की ग्रोथ बताता है मीडिया, क्योंकि 35 का 3.5% 10% होता है। तो बोलते हैं 10% आज ग्रोथ हुई, वो 100 का 110 नहीं हुआ है, 35 के अंदर 3.5 बढ़ा है। अब जो 10% बताता है वो मतलब 35 का 3.5 बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 38.5 हो जाएगा, 38.5। बट वो रिवाइवल नहीं है, उसका मतलब नहीं कि आप खतरे से उबर गए। खतरे से तो तब उबरोगे आप जब 100 के 110 हो जाओगे, वो बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी थोड़ी सी भी ग्रोथ होती है तो वो ग्रोथ उसमें होती है, गिरे हुए वाले में। 27% बच गया, 35% बच गया, उसमें अगर 1 रुपया भी बढ़ गया तो वो ग्रोथ बताएगा कि 6% बढ़ा आज, वो बहुत ही गिरा हुआ है। तो पूरा क्राइसिस समझ में आ गया, स्कैम समझ में आ गया, अडानी सागा, अडानी स्टोरी क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मीडिया चुप है क्योंकि मीडिया कोई भी नहीं बता रहा, क्योंकि मीडिया बताएगा नहीं, वो फिक्स है 2024 का चुनाव, इलेक्टोरल बॉन्ड, बीजेपी को करोड़ों रुपया चंदा दिया हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है, तो मीडिया कभी नहीं बताएगा। लेकिन आपके दिमाग के कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी, कोलेटरल के रूप में पढ़ लीजिए, बहुत सारा इकोनॉमिस्ट मैगजीन भी देगा, कुछ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर देंगे, बाकी लोग नहीं बताएंगे, हिंदी न्यूज़पेपर नहीं बताएंगे, आपका मेनस्ट्रीम प्राइम टाइम मीडिया ये सब कोई नहीं बताएगा। तो यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, एक दो कोई ऐसे जो आपको क्लियर करके बताते हो, क्योंकि स्टूडेंट के लिए तो ये हमेशा ही, जब कांग्रेस थी और जब सिविल सर्विसेज होते थे तो कांग्रेस के अगेंस्ट जितने भी आर्टिकल थे वो सब स्टूडेंट पढ़ते थे और एग्जाम में आता भी था। तो आपके लिए तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाएगा। ये सरकार अभी तक अपने खिलाफ जो क्वेश्चंस हैं उनको रोक पाने में कामयाब नहीं हुई है, कांग्रेस भी नहीं हो पाती थी, ये भी नहीं होते। यूपीएससी अपनी स्टाइल से पूछता है, यूपीएससी बड़ी बेदर्दी से पूछता है सरकार के खिलाफ बड़ी बेदर्दी से पूछता है और खुलेआम पूछता है, बहुत ही खुलेआम पूछता है, डंके की चोट पे पूछता है। अब
जिस साल नहीं पूछेगा उस साल मैं भी अपना पढ़ाना बंद कर दूंगा, उस टाइप का हम भी राष्ट्रवादी हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है राष्ट्रवाद भी यही है कि राष्ट्र अगर खतरे में है तो बताया जाए, क्योंकि राष्ट्र तो खतरे में है, क्योंकि डमी ग्रोथ है, राष्ट्र की वाकई में तो ग्रोथ नहीं है ना। तो राष्ट्रवाद तो ये नहीं है, राष्ट्रभक्ति भी नहीं है, वैसे भी राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं, राष्ट्रभक्ति की जरूरत है, ठीक है, राष्ट्रभक्ति की जरूरत है, राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं है। राष्ट्रवाद में कई बार कई लोग जो होते हैं अपने माता पिता को मेहमानों के सामने बढ़िया से माला पहना देते हैं, लेकिन अंदर जाके पिटाई कर देते हैं तो ये मातृ पितृ भक्ति नहीं है, ये पितृवाद है, ये पेट्रियार्की है। क्योंकि आपको मालूम है कि सब लोग क्या कहेंगे, इस वजह से हम इज्जत कर रहे हैं, बात समझ में आई ना। तो इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति, पेट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में यही अंतर है, पेट्रियोटिज्म हमको पेट्रियोटिक होना है, राष्ट्रभक्ति आनी चाहिए, राष्ट्रभक्त होना है हमको, राष्ट्र के प्रति वफादार होना है, दिखावा नहीं करना है कि हम राष्ट्रवादी हैं। ध्यान रखिए राष्ट्रवादी में और राष्ट्रभक्ति में बहुत अंतर है, ठीक है, वो फर्जीवाड़ा है, राष्ट्रवाद एक तरह का फर्जीवाड़ा है, दिखावा है, धोखा है, धोखा है, ठीक है, फेसबुक फ्रेंड जैसा है फेसबुक पे इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं ना, 5,000-10,000, असली में वो नहीं होते, असली में काम नहीं आते, वैसा काम है, तो वर्चुअल दुनिया है वो राष्ट्रवाद। तो इसलिए जो व्यक्ति चिंता करता है अपने देश की, वो तो चिंता करेगा, उसको तो मालूम है खोखला कहाँ हो रहा है, दरारें कहाँ हैं। कुछ लोग कहेंगे चुप रहो, हमारे समय में दरारें दिखा रहे हो, तुमको लगता हमारे होते हुए दिखा रहे हो कि अस्थिर है, मतलब तुम धोखेबाज हो, तो ये तो गलत बात है। जो हो रहा है वो तो देखना ही पड़ेगा और दिखाना ही पड़ेगा। तो अडानी सागा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अडानी की कहानी मालूम होनी चाहिए आपको, ठीक है, तो पढ़िएगा इसको, ये इसके साथ जोड़िएगा, क्योंकि ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्योंकि उनको ऐसे फील्ड में लाया गया, कौन से फील्ड में लाया गया, जो दिखते हैं, एयरपोर्ट दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, रोड्स सुंदर दिखते हैं, पोर्ट्स सुंदर दिखते हैं, और उनके ऊपर अडानीज लिखा रहेगा, बहुत सारे ट्रक कंटेनर रोड से जाएंगे उनके ऊपर अडानीज लिखा रहेगा, ठीक है। तो जिन पे लिखा रहता है, बड़ा सा नाम लिखा रहता है, जिस पे नाम होता है, तो पूरे भोपाल में अब आप देखोगे तो हबीबगंज स्टेशन तो पहले सार्वजनिक था, पब्लिक का था, लेकिन वहां बंसल लिखा रहता है, तो आप उधर से निकलते हो तो प्राइवेट व्यक्ति के प्रति एक वो आता है कि कितना बंसल हॉस्पिटल, बंसल फलाना और बंसल स्टेशन है ना। तो बंसल स्टेशन मतलब बंसल बड़ा आदमी है, फिर ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री वगैरह सब इसकी जेब में है, तो फिर कहीं बंसल की गाड़ी हो जाए तो आदमी की श्रद्धा पैदा। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, नियो लिबरलिज्म अब तो पक्का हो गया होगा, मुझे लगता है कि अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसमें भी प्रदर्शन हो, जिसमें भी दिखावा हो, ठीक है, और उससे फिर पैसा भी बनाया जाता हो, ऐसा नहीं कि वो केवल सेवा का काम हो, दिखावा सेवा तो कई बार वो भी हो जाता है कि किसी ने एम्बुलेंस दी तो एम्बुलेंस के ऊपर अपना नाम ले लिया, लेकिन उसमें पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, उसने एम्बुलेंस दान में दे दी है। शव वाहन होते ना, मुक्ति वाहन, उसके ऊपर भी किसी का नाम लिखा रहता है कि उनकी स्मृति में ये शव वाहन है, लेकिन वो मुक्ति वाहन को देख करके किसी में ये इमेज नहीं आती कि ये जो लिखे हुए हैं सेठ जी का नाम जिन्होंने ये दान में दिया है, वो मतलब उनसे कुछ खरीदारी करें, या क्या खरीदारी करोगे, फिर से शव वाहन खरीदोगे तो क्या करोगे, नहीं, वो वाला भाव नहीं जाता, वो सेवा वाला भाव होता है, यहाँ पैसा कमाने वाला भाव होता है। कल से उसका कोई प्रोडक्ट आया, बंसल आटा या बंसल कोई दाल या बंसल शुगर चीनी, उसके साथ फिर वो वाला भाव जुड़ेगा, आया समझ, तो नियो लिबरलिज्म होगा। इसी को नज थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा, नज थ्योरी मतलब कोनी से हल्का सा झटका देना, हल्का सा इशारा करना, उसके बाद वो शुरू हो जाता है, हल्का सा इशारा करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कई बार ब्रश करते हैं तो एक महीने बाद ब्रश चेंज करते हो तो कई बार भूल जाते हो, तो 3-3 महीने तक उसी से करते रहते हैं, क्योंकि नींद में रहते हैं सुबह सुबह, और ब्रश चेंज करना ये याद नहीं आता, उठाया लगाया पेस्ट, रगड़ लिया, फिर धो के रख दिया। लेकिन जैसे ही आप ब्रश करके और चाय पीने के लिए बैठे हो, टीवी ऑन किया, उसने कहा वो ब्रश हर महीने चेंज कर देना चाहिए, और ये नया ब्रश पकड़ो ये बहुत ही अच्छा है, और एकदम कोई हीरो जो है ब्रश करता हुआ दिख रहा है, तो एकदम आदमी को लगेगा आज मुझे ब्रश खरीदना है तो हल्का सा इशारा नज, मतलब कोनी से हल्का सा झटका दिया, और एकदम आप पैसा खर्च करने को
तैयार हो गए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, क्लियर। हाँ, नोबेल प्राइज मिला भाई, एक ने कहा बोले कैसे कोनी से हल्का सा इशारा देना होता है, अच्छा चलो तुमको नोबेल देते अर्थशास्त्र का नोबेल मिल गया उसको, ठीक है, क्लियर हुआ ना। हाँ, तो ऐसे थोड़ी घटनाएं हो रही है। ये था, इसलिए डायरेक्ट ट्रांसफर 6000 रुपया जो किसान सम्मान निधि है खाते में आता है, ब्लिंक करता है पीएम किसान सम्मान निधि, एकदम ब्लिंक करता है, एकदम से 6000 रुपए जब आते हुए दिखते, तो वो भी तीन टुकड़ों में आते हैं ना, 2000 करके, उससे और ज्यादा प्रभावित होता है, एक साथ दे देंगे तो फिर भूल जाएगा चुनाव तक इसलिए उसको तीन बार में टुकड़ों में, फिर 2000 आते हैं, फिर वो देखता अच्छा 29000 थे अब 31000 हो गए, 31216 रुपए, मतलब वो उसको तीन चार बार उस मैसेज को देखता है, फिर मोदी जी के फोटो को देखता है तो इसके साथ, जबकि उसकी जिंदगी में 2000 रुपए से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आज क्लियर हो रहा है कुछ कुछ। तो अब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, तो इकोनॉमिक्स में तो योजनाएं बहुत होती, स्कीम्स प्रोग्राम्स, ठीक है, और ये सब चीजें बहुत चलती है। तो ये जमाना आ गया है, अब इकोनॉमिक्स कैसी है, ऐसी इकोनॉमिक्स ये वर्तमान में चल रही है। तो हम वहां मर्केंटलिज्म बता रहे थे आपको 1600 में, तो इसमें फिर इन्फ्लेशन का क्या रोल है, तो आज इन्फ्लेशन में आपको दो लेवल पे बता देता हूं। डोमेस्टिक लेवल पर इन्फ्लेशन, यानी कि हमारा देशी इन्फ्लेशन, देशी मुद्रास्फीति, देशी महंगाई, हमारे देश के अंदर महंगाई, और ग्लोबल रिसेशन, ग्लोबल इन्फ्लेशन, वैश्विक स्तर पर महंगाई, वैश्विक स्तर पर महंगाई, दोनों महंगाई में क्या अंतर है। देखिए, अमेरिका और यूरोप में यह तय किया था कि हम 2% से ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होने देंगे। अमेरिका यूरोप ने बहुत ज्यादा अच्छे से तय कर रखा था अपने यहां कि 2% वाला, ज्यादा से ज्यादा 2%, वैसे तो कोशिश करेंगे 1.5%, 1%, यानी पिछले महीने जो वस्तु 100 रुपए की थी वो ज्यादा से ज्यादा 102 रुपए की हो जाए अगले तीन महीने बाद, एक क्वार्टर के बाद, वहां वैसे एक साल के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है, तो पिछले साल जनवरी में जो वस्तु थी 100 रुपए की वो अभी इस जनवरी में 102 रुपए की, हमारे यहां क्वार्टरली होता है तो साल में चार बार आता है, तो तीन तीन महीने का, यानी अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर भी 1 अप्रैल से शुरू होता है, तो जून में पहला क्वार्टर खत्म हुआ तो जनवरी फरवरी मार्च में जो कीमतें होंगी वो अगर 100 रुपए थी तो हमने रखा है 4, हमने टारगेट रखा है इन्फ्लेशन टारगेट 4, अरुण जेटली जी बकायदा टारगेट में रख के गए, उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन टारगेट मैंडेट, ये संसद में कानून बना के रह गए वो अरुण जेटली। और क्यों गए, उन्होंने बड़ी चिंता व्यक्त की कि भारत में प्याज के कारण सरकारें गिर जाती हैं, और प्याज की कीमतें तो कभी भी 10 रुपए, 5 रुपए से लेकर के 80 रुपए, 90 रुपए कभी भी हो जाती है, ये तो नाटक लगा रखा है। और प्याज से सरकार कैसे गिर सकती है, क्योंकि सरकार का काम डिफरेंट है, सरकार का काम कोई प्याज की कीमत थाम के रखना तो नहीं है, वो तो अपना काम करेगी, सीमा पर सुरक्षा का काम करेगी, लोगों को रोजगार देगी, फैक्ट्री लगाएगी, ये सब काम है सरकार का, सरकार का काम तो प्याज की कीमत पकड़ के बैठना नहीं है, लेकिन उसकी वजह से सरकारें गिर जाती, क्योंकि मिडिल क्लास जो शहरों में रहता है उसको प्याज की कीमत से बड़ा फर्क लगता है, गांव के लोगों को तो इतना फर्क नहीं होता क्योंकि वो तो किसान, उसको तो फायदा ही है, ज्यादा महंगा जाएगा तो उसको फायदा होता है, और बहुत अमीर आदमी को भी प्याज की कीमत से कोई पता नहीं, उसको पता ही नहीं आज प्याज क्या भाव है उसको, क्योंकि वो तो खरीदने जाता नहीं, उसके नौकर जाते होंगे और वो तो करोड़ों कमाता है तो उसको 50, 60, 80 से क्या फर्क पड़ना है। तो मिडिल क्लास जो शहरों में रहता है, अगर उससे अगर 40 रुपए के बजाय 60 रुपए ले लो तो वो सरकार गिराने पे तुला एकदम बोलता है हटाओ इसको, ये क्या तरीका है। तो उसने कहा बोले सबसे पहले तो इसको फिक्स कर देते हैं कि अब ये बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने देंगे, तो उन्होंने कहा 4% बस, पिछले क्वार्टर में जितना था, पिछले बार 100 रुपए था तो इस बार तीन महीने बाद 104 से ज्यादा नहीं होगा, प्लस माइनस 2 ले लो, चलो प्लस माइनस 2 लो, थोड़ी महंगाई तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कोई मतलब ही क्या है, फायदा कैसे होगा उत्पादक को, कैसे फायदा होगा किसान को, कैसे होगा। तो प्लस माइनस 2 का मतलब 4 या फिर 2 या फिर 6, तो 4 के बजाय 2 हो सकता है या 6 हो सकता है,
लेकिन भारत में पिछले 3 सालों से, लगभग पिछले कई क्वार्टर से, वो 6 वाला पालन नहीं हुआ, 6 से ऊपर तोड़ के जा रहे हैं। और उन्होंने कहा अगर 3 महीने तक अगर लगातार 6 क्रॉस कर जाता है तो RBI को रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी कि तुम कर क्या रहे हो, ताकि मार्केट को विश्वास मिले कि नहीं हम एक्टिव हैं, व्यापारियों को, इन्वेस्टर्स को, मार्केट में जो तमाम लोग हैं उनको लगे कि ये रिपोर्ट आ गई है, RBI सच बोल रहा है और RBI के पास ये प्रोविजंस हैं, RBI इस काम में लगा हुआ है, तो हमको पता चले। तो 3 क्वार्टर तक जब भी 6 से ज्यादा होगा, तो अभी 6.6, 6.5, 6.4 ऐसे 3 बार हो गया, बल्कि और ज्यादा, तो RBI की रिपोर्ट भी आ गई लेकिन पब्लिश नहीं हुई व्यापारियों के लिए, जनता के लिए वो पब्लिश नहीं हुई, सरकार को RBI ने रिपोर्ट दे दी, तो उसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। तो करंट अफेयर्स में उसके आर्टिकल बहुत हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या फिस्कल पॉलिसी है, क्या इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट क्या होता है, और वो कानून क्या था, और ये अगर न होते, ये रिपोर्ट का नाम क्या है, ये कौन सी रिपोर्ट है, और अगर ये रिपोर्ट पब्लिक में जारी नहीं हुई है, तो इसके ऊपर पूरा क्रिटिसिज्म ज़्यादा है, क्योंकि पब्लिक को बताया नहीं गया। तो सरकार बताना क्यों नहीं चाहती, RBI बताना क्यों नहीं चाहता पब्लिक को कि आखिर कौन से ऐसे कारण है कि लगातार 3 महीने, 3 क्वार्टर में, पिछले लगातार 3 क्वार्टर में वो 6 से ऊपर रहा, तो आपने किया क्या? तो इन्वेस्टर्स होते हैं या व्यापारी होते हैं, उनको उनको पता ही नहीं चलेगा ना कि सरकार सिंसियर है, RBI सिंसियर है, क्योंकि सरकार की एजेंसी तो RBI है। तो स्थितियां थोड़ी सी गंभीर है। भारत में जो संस्थाएं हैं वो प्रॉपर, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूरा और दिला, तो आपको लग रहा होगा सुप्रीम कोर्ट के जो जब से ये बने हैं, हाँ, चंद्रचूड़, तब से इनका थोड़ा सा ऐसा चल रहा है कि सरकार भी नहीं चाहती कि वो, तभी तो रिजिजू आते हैं और कभी भी कोई कमेंट करके चले जाते हैं, फिर ये भी कुछ कमेंट करते हैं। तो कुल मिला के स्थितियां तो तनातनी वाली है, संस्थाएं प्रॉपर काम कर नहीं रही हैं, इंस्टीट्यूशंस पे इंटरनेशनल लेवल पर अब थोड़ा सा भरोसा उठ गया, इसलिए तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एकदम से उन लोगों को लगा कि ये मामला गड़बड़ है, क्योंकि आदमी अगर गिर रहा है और उसके बावजूद एक शब्द नहीं बोल रहा है, और अडानी को फिर भी बचाया जा रहा है, और जांच नहीं बिठाई जा रही है ठीक से, और प्रॉपर विरोध नहीं किया जा रहा, इसका मतलब है कि ये कभी भी डूब जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आदमी जिसको जांच करनी चाहिए वही मिला हुआ है, और वो उसके साथ मिला हुआ है, तो लोगों का विश्वास उठ गया, तो वो वापस पैसा लगाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और ध्यान रखिए, भारत का विकास कभी भी हमेशा फिस्कल डेफिसिट में ही विकास हो सकता है। जब तक यूरोप और अमेरिका के लोग भारत में पैसा नहीं लगाएंगे, भारत का विकास नहीं हो सकता, ध्यान रखिए। भारत का विकास यानी जैसे कोई गरीब आदमी है गांव में, और गांव का सेठ अगर उसको उधार न दे, तो न तो उसके बच्चों का इलाज हो सकता है ठीक से, ना ही वो विदेश किसी शहर में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। तो उस सेठ का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जिसके वहां वो काम करता है आदमी। वैसे ही भारत में जब तक यूरोप का और अमेरिका का पैसा नहीं लगेगा इन्वेस्टमेंट के तौर पे, हमारे प्रोजेक्ट उतने अच्छे नहीं चल पाएंगे, ध्यान रखें। तभी तो हम फिस्कल डेफिसिट वाला बजट बनाते हैं, हमेशा कर्जे वाला बजट बनाते हैं कि हम कर्जा लेंगे, इस बार इतना कर्जा लेंगे, इस बार इतना कर्जा लेंगे, कभी भी ओवर वाला बजट कहाँ बनाते हैं कि हमारे पास इतना पैसा इस बार बच जाएगा, इतना टैक्स, इतना हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होगा, GTR होगा, और उसके बाद इतना बचेगा। बचत वाला तो कभी बनाना भी नहीं चाहिए, विकासशील अर्थव्यवस्था को तो हमेशा कर्जे वाला ही बनाना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी है, बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका इलाज भी जरूरी है और उनकी पढ़ाई भी जरूरी है। ऐसे आदमी का तो घाटे का ही बजट होगा, क्योंकि ऐसे समय में तो वो कर्जा लेगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, कमाने लग जाएंगे, तो बहुत सारा पैसा हो जाएगा। और ऐसा आदमी अगर अभी पैसा बचाना शुरू कर देगा, गरीब आदमी, तो वो तो अमीर कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों को उस लायक नहीं बना पाएगा जिससे कर्जा उतर सके, तो वो तो कर्जदार ही बना रहेगा। तो वो तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है ना उसका, गरीबी वाला, बात समझ में आई ना। इसीलिए घाटे का बजट बनाया जाता है, इसीलिए फिस्कल डेफिसिट वाला बजट बनाया जाता है, राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा मतलब कर्जा, ठीक है। इसलिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, इन्वेस्टर्स का विश्वास भारत पर बहाल रहना भी बहुत जरूरी है, उसके लिए रूल ऑफ लॉ होना जरूरी है, शांति देश में होना जरूरी है, इंटरनेट बार बार ब्रेक नहीं होना चाहिए। हम जो बार बार किसी भी जिले में इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं कि यहाँ इंटरनेट बंद कर दिया, यहाँ बंद कर दिया, ये चीज इमेज खराब करती है, देश की इमेज खराब होती है। कर्फ्यू लगना देश की इमेज खराब होती है, कहीं पे भी आंदोलन होना देश की इमेज खराब होती है। इन्वेस्टर्स को डर लगता है,
कि हमें ऐसी जगह पर पैसा नहीं लगाना चाहिए जहां जोखिम है, जहां रिस्क है। तो रिस्क वाली जगह पे पैसा कोई भी नहीं लगाएगा समझदार आदमी। तो इन्फ्लेशन ध्यान रखिए, ज्यादा महंगाई वाले में फिर कभी आंदोलन होगा महंगाई के खिलाफ, फिर प्रभावित होगा मार्केट। तो बात समझ में आई? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, और ये अभी सब मीडिया में चल रहा है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं चल रहा है, सोशल मीडिया में बिल्कुल उल्टे ही वो स्टिकर चल रहे हैं। तो उनका उनका अलग मामला है, वो सारे मंदिर को लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, वो अलग ही दुनिया, उसका कोई लेना देना नहीं इसे। यूपीएससी का एक भी सवाल उससे रिलेटेड नहीं आएगा, ध्यान रखिए। वो वाला नहीं आएगा कि इस बार कृष्ण जन्मभूमि का नंबर है या काशी में जो है हमको मस्जिद गिरानी है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी थोड़ी पूछेगा कि अयोध्या वाला कौन सी तारीख को बना था, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, तो अब इसका आगे का नंबर संभावित कब है, 4 तिथियां। तो ऐसे कोई सवाल नहीं आने वाला, सवाल तो मैं बता रहा हूँ वही आएंगे। तो हमारी पढ़ाई तो उसी से होनी है, ठीक है। सोशल मीडिया पूरा डमी है, ठीक है ना, उसका कोई लेना देना नहीं है, और उसकी ऑथेंटिसिटी भी बहुत कम है। आज ही चंद्रचूड़ ने बोला भी है कि सोशल मीडिया के समय में सूचना की पवित्रता एकदम खत्म हो गई है, इन्फॉर्मेशन की सेंक्टिटी बची नहीं है, क्योंकि उसमें कौन सी न्यूज सही है कौन सी गलत है कुछ पता नहीं चलता। आप कोई सी भी छाप दो, झूठ छाप दो, वो धड़ल्ले से बिकता है और बहुत भयंकर वायरल होता है, जबकि 100% झूठ होता है। तो इसलिए उसका कोई लेना देना नहीं, इसलिए उस पर तो यूपीएससी का पेपर नहीं बन सकता ना झूठ पे। तो इसलिए उसको छोड़ दीजिए। न्यूज़पेपर की ऑथेंटिसिटी, न्यूज़ की, मीडिया की, वो वाली बची नहीं है। और ये जो मीडिया हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये पूरा पूरा खरीद लिया गया है, तो इसका भी मामला खत्म है। इस पर कोई एनालिसिस, डिबेट, कोई ढंग का आना नहीं है। वो प्रवक्ता वगैरह सब चुने हुए पहले से सिलेक्टेड होते हैं, और वो कौन के बायस्ड होते हैं पूरी तरह से, तो वो बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, फिक्सिंग है पूरा का पूरा। तो यहाँ से आपको नहीं मिलेगा। तो फिर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदी न्यूज़पेपर में मुझसे मत पूछना, क्योंकि वो भी प्रभावित हैं और मैं उसके बारे में कोई गारंटी नहीं लेता। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जो थोड़ा सा बीजेपी माइंडसेट के लोग हैं और सरकार की बुराई कम सुनना चाहते हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। और हिंदू नाम है लेकिन वो पूरा एंटी हिंदू है, हिंदू जैसा कुछ नहीं है उसमें। नाम ही अदा हिंदू है उसका, बाकी वो हिंदुओं के एकदम खिलाफ है। जो बीजेपी की बिल्कुल एकदम डायरेक्ट बुराई सुनना चाहते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, वो द हिंदू अच्छे से पढ़े। तो दोनों के हिसाब से बता दिया मैंने, ठीक है, जिसको जो पसंद है वो पढ़े। दोनों में है सूचना, है ना, तो द हिंदू छुपाता है ना इंडियन एक्सप्रेस छुपाता है। वो थोड़ा सॉफ्ट तरीके से बोलता है कि हमारे बंदे ने गलती की है लेकिन ये कर लेगा, ठीक, लेकिन ये कहाँ इसने किया है वो कर ले, वो बोलता है पागल है इसे होगा नहीं ये पता नहीं कहाँ। तो दोनों का अलग अलग है। तो आपको मजे लेने हैं दोनों के, ठीक है ना, होना जाना कुछ नहीं है। असली में कोई डूबने की जरूरत नहीं, इमोशनल होने की जरूरत नहीं, इंटेलिजेंट होने की जरूरत, इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे सिलेबस में इमोशनल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सांवेगिक बुद्धिमत्ता। केवल इमोशनल आदमी मतलब स्टूपिड है, पागल है वो, क्लियर। तो मुझे लगता है कि सोर्स, तो जरा जल्दी से सोर्स लिख लीजिए, इंडियन इकोनॉमी के सोर्स क्या होंगे। 11th 12th का इकोनॉमी होगा, एनसीईआरटी का इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये 3 किताबें हैं 11th 12th की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट, वृहद अर्थशास्त्र है ये, बर्ड्स आई व्यू देता है मास लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, मास लेवल पे। जब पब्लिक मैनेजमेंट करना है, पूरी जनता के लिए कोई काम करना है, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जो बात हम लोग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये सब मुद्दे आपको मैक्रो इकोनॉमी में मिलेंगे। इस किताब को 2 से 3 बार पढ़ जाइए अंडरलाइन करके, 2 से 3 बार मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके सिलेबस का 70% मैक्रो इकोनॉमी। दूसरे नंबर पर माइक्रो इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी एक एक बार जरूर पढ़ लेना है, लेकिन रिवीजन अगर आप कर सकें तो अच्छी बात है। लेकिन जो लोग फ्यूचर में एग्जाम देंगे
एक साल बाद, दो साल बाद, तीन साल बाद, ऐसे लोग उसको दो तीन बार भी पढ़ सकते हैं, और मैक्रो वाले को 6 बार पढ़ लीजिए, ठीक है, वो अपनी गणना बढ़ा दें, काउंटिंग बढ़ा दें। तो ये दो चीज़ें, तो ये तो हो गया एनसीईआरटी वाला पार्ट जो बिल्कुल बेसिक है और आपका प्राइमरी सोर्स है। दूसरे नंबर पे आप हमारे नोट्स ले सकते हैं करंट अफेयर्स के, और या कोई भी नोट्स किसी भी कोचिंग के अगर आपके पास हैं इकोनॉमी के, तो वो भी काम आएंगे। सेकेंडरी सोर्सेस, वो सेकेंडरी सोर्सेस हो गया। टर्शरी सोर्सेस जो होंगे वो आपका एक तरह से बजट डॉक्यूमेंट और इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, बजट डॉक्यूमेंट, इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट, ये आपका चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का डॉक्यूमेंट, और लास्ट में करंट अफेयर्स पड़ जाइए, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स। बाकी बहुत ज्यादा मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, रमेश सिंह, इन किताबों के चक्कर में ना पड़े, इकोनॉमिक्स कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। मैंने दत्त सुंदरम भी है मेरे पास, मिश्रापुरी भी है, रमेश सिंह मैंने सब लाया, लेकिन 20-25 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़े कभी, हमेशा रख देते हैं उसको, फिर खरीद के सब लाते हैं लेकिन पढ़ते नहीं कोई भी, बड़ा बोरिंग है और ना ही इतना ज्ञान की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई अर्थशास्त्री नहीं बनना है, ठीक है, ना ही बुक कलेक्टर बनना है हमको, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, और हमको अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमको प्रशासक बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो एडमिनिस्ट्रेटर वाला विजन लेके आए, क्लियर है ना, बिल्कुल। और वो जो मैंने आपको थर्ड टर्शरी डॉक्यूमेंट बताया, कौन कौन सा बताया, हाँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, या फिर टर्शरी फोक, इसमें ले लीजिए, चार तरह के सोर्स मैंने आपको बता दिए। अब कभी भी कोई भी इकोनॉमी के सोर्स मत पूछना, ठीक है, कि इसको कैसे पढ़ लें, कहाँ से पढ़ लें, अब मैंने सब बता दिया, ठीक है ना। कल से हम थोड़ा इकोनॉमी शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स में तो और भी बताने की कुछ चीज़ें कल बताऊंगा मैं, ठीक है, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा, देश की रक्षा कौन करेगा, मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की।